अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की प्रेजेंटेशन के अंदर हमने फार्मेसी टेक्नीशियन फार्माकोलॉजी यूनिट 8 स्टार्ट किया है। इस यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी के बारे में, कीमोथेरेपी का तारफ देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कौन सी ड्रग्स जो हैं वो बतौर कीमोथेरेपी एजेंट्स इस्तेमाल हो रही हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन जानते हैं। इस लफ्ज को सबसे पहले हम ब्रेक करें तो यहाँ पे दो लफ्ज हैं, एक तो कीमो और दूसरे नंबर पे थेरेपी। ठीक है, कीमो का मतलब केमिकल है और थेरेपी का मतलब आपको पता है कि ट्रीटमेंट के मीनिंग में आता है, यानी हम केमिकल से ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिससे हम ट्रीट करते हैं मुख्तलिफ डिजीजेस को, उसको हम कहेंगे कीमोथेरेपी। अब कीमोथेरेपी के बारे में मजीद जानते हैं। कीमोथेरेपी इज अ ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीजेस। यहाँ पे कुछ अबहम होंगे कि कीमोथेरेपी जो है वो सिर्फ एंटी कैंसर ड्रग्स को कीमोथेरेपी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे ये जो है ब्रॉड मीनिंग टर्म है कीमोथेरेपी, यानी केमिकल सब्सटेंसेस से डिजीजों के लिए, डिजीजेस के लिए जब इसको इस्तेमाल किया जाता है सब्सटेंसेस को, या जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि पॉजिटिव एजेंट्स हैं डिफरेंट डिजीजेस के, उनको जब किल करने के लिए या उनकी उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए जिन केमिकल्स को इस्तेमाल किया जाता है, उस केमिकल्स को हम क्या कह सकते हैं, ये कीमोथेरेपी है। जानते हैं रीडिंग से, कीमोथेरेपी इज अ ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीजेस, मुख्तलिफ डिजीजेस की, मुख्तलिफ बीमारियों की ट्रीट किया जाता है कीमोथेरेपी से। कौन सी बीमारियां हैं? कॉज्ड बाय पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, वो बीमारियां जिनकी वजह पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म बनते हैं। पैथोजेनिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनिज्म से मुराद है कि बीमारी पैदा करने वाली ऑर्गेनिज्म। अब बीमारी पैदा करने वाली ऑर्गेनिज्म में क्या शामिल है? उसमें स्टूडेंट्स बैक्टीरिया शामिल होंगे, उसके बाद उसके अंदर फंजाई शामिल होगी, ठीक है, उसके बाद इसके अंदर वायरसेस इस्तेमाल होंगे, उसके बाद प्रोटोजोआ, ठीक है, और दीगर वर्म्स। ये वो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से डिजीजेस काज होती हैं। इन पर्पस के लिए हम कीमोथेरेपी इस्तेमाल करते हैं। अगर डिजीज की काज बैक्टीरिया हो या फंजाई हो, वायरस हो या प्रोटोजोआ हो या वर्म हो, तो हम ये ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, विथ केमिकल सब्सटेंसेज, ठीक है, केमिकल सब्सटेंसेज विच ड्यू टू देयर सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी डिस्ट्रॉय आर रिमूव द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, जिनकी टॉक्सिसिटी की वजह से, जिनके जहरीले असर की वजह से या तो पैथोजीन्स ऑर्गेनिज्म को किल कर रिमूव कर दिया जाएगा या किल कर दिया जाएगा विदाउट इंजरी द होस्ट, होस्ट को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर। यानी ये तमाम कीमोथेरेपी के एजेंट्स जो हैं, ये अगर पेशेंट में कोई डिजीज इन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म की वजह से है, बैक्टीरिया की वजह से है, फंजाई की वजह से है, वायरसेस, प्रोटोजोआ या वर्म की वजह से है, तो इनको, इन डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए, इन ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए या बॉडी से रिमूव करने के लिए, या तो इनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए ऐसे सब्सटेंस को यूज किया जाता है। ये इन पैथोजेन्स को तो किल करते हैं, रिमूव करते हैं, लेकिन जो होस्ट है जिसकी बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, उसको कोई नुकसान नहीं इन सब्सटेंसेस से होता। द केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर कॉल्ड कीमोथेरेपिक थेरेपेटिक एजेंट्स। इस पर्पस के लिए जो भी केमिकल सब्सटेंस इस्तेमाल होते हैं, उनको हम कहते हैं, उनको हम कहेंगे केमोथेरेपेटिक एजेंट्स, ठीक है, यानी जो इसके अंदर, इस कैटेगरी की ड्रग्स के अंदर मोस्टली जो है एंटी कैंसर ड्रग्स या तो एंटीबायोटिक्स ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। अब स्टूडेंट्स मजीद देखते हैं ड्रग्स यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नियोप्लास्टिक डिजीजेस। नियोप्लास्टिक डिजीजेस स्टूडेंट्स ये ज्यादातर रेफर टू एंटी कैंसर ड्रग्स, नियोप्लास्टिक डिजीजेस कैंसर, कैंसरस डिजीजेस के लिए इस्तेमाल होती है यह टर्म। एंटी कैंसर ड्रग्स यानी कैंसर को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं वो एंटी कैंसर ड्रग्स कहलाती हैं, आर आल्सो इंक्लूडिंग इन कीमोथेरेपी। इस कीमोथेरेपी के अंदर कैंसर को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं, नियोप्लास्टिक डिजीजेस
यानी एंटी कैंसर ड्रग्स जो हैं वो भी कीमोथेरेपी के जुमरे में आती हैं। ऑल्दो काज ऑफ कैंसर इज अननोन, ये हकीकत है कि कैंसर की वजह जो है ये अननोन है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस एंड एंटी कैंसर ड्रग्स आर मोस्ट टॉक्सिक, ज्यादातर केसेस के अंदर एंटी कैंसर ड्रग्स ज्यादा टॉक्सिक हैं एंटीबायोटिक्स की निस्बत टू द पेशेंट्स, पेशेंट्स के लिए एज कंपेयर टू एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। अगर इन इन ड्रग्स का कीमोथेरेपी ड्रग्स में जो स्पेसिफिकली एंटी कैंसर ड्रग्स हैं वो मोस्ट टॉक्सिक हैं, यानी मोस्ट टॉक्सिक हैं पेशेंट के लिए किन के मुकाबले में, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के मुकाबले में। अब एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स कौन सी हैं, पेनिसिलिन है, उसके बाद एम्पीसिलिन है, उसके बाद लीवोफ्लोक्सासिन है, जेंटामाइसिन है, ये तमाम एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के से अगर इनका कंपैरिजन करें एंटी कैंसर ड्रग्स का तो ये ज्यादा टॉक्सिक हैं, इनका इनका ज्यादा टॉक्सिक इफेक्ट है। एंटी कैंसर कीमोथेरेपी डज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अब एंटी कैंसर ड्रग्स जो हैं कीमोथेरेपी के जुमरे में आती हैं, इनका कैंसर की ट्रीटमेंट में ज्यादा रोल है कीमोथेरेपी का। अब ऐसी ड्रग्स मुख्तलिफ तरह की, यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशन है, उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली हम ड्रग्स के नाम जानेंगे या इसकी टाइप्स देखेंगे कि कौन सी ड्रग्स कैंसर में कीमोथेरेपी एजेंट्स इस्तेमाल होती हैं। अब चूंकि स्टूडेंट्स इसकी अननोन काज हैं, मुख्तलिफ तरह के ड्रग्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अल्कलाइटिंग एजेंट्स इस्तेमाल होते हैं इसके अंदर, एंटी मेटाबोलाइट्स ड्रग इस जुमरा में आती हैं, उसके बाद कुछ नेचुरल एजेंट्स है वो इस्तेमाल होते हैं, उसके बाद एंटीबायोटिक्स है, डिक्टिनोमाइसिन है, ठीक है, इस तरह की इस कैटेगरी की ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं, कुछ इंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं, कुछ हार्मोन्स एंड एंटागोनिस्ट इस्तेमाल होते हैं कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए बतौर कीमोथेरेपी के एजेंट्स। इस तरह कुछ मिसलिनियस एजेंट्स हैं जो कि एक एंटी कैंसर पार्टिकुलरली कीमोथेरेपी में इस्तेमाल होते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने देखना है ड्रग यूज्ड इन कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी के अंदर जो ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं किस किस कैटेगरी की ड्रग्स हैं जिनको हम मजमूई तौर पे कीमोथेरेपी कहते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी की ड्रग्स है एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स। अब एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स ऐसी ड्रग्स को कहेंगे, अगर आप इस टर्म्स को भी देखें तो यहाँ पे दो लफ्ज जो लगे हुए हैं एंटी, सबके साथ एंटी, इसका मतलब है आगे जो वर्ड लगा हुआ है बैक्टीरियल, ठीक है, इसके अगेंस्ट एंटी बैक्टीरियल, यानी बैक्टीरिया के खिलाफ या तो बैक्टीरिया को किल करेंगी या इसकी ग्रोथ को इनहिबिट्स करेंगी, ऐसी ड्रग्स को कहेंगे हम एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स, ठीक है। दूसरे नंबर पे कीमोथेरेपी की जो टाइप है वो है एंटी वायरल, यहाँ पे भी दो वर्ड है स्टूडेंट्स, एंटी वायरल, वायरल वायरस से लिया गया है, एंटी वायरल यानी वायरस के अगेंस्ट जो ड्रग्स काम करती हैं वो क्या कहलाएंगी, एंटी वायरल ड्रग्स, ठीक है, एंटी वायरल ड्रग्स जो वायरस के अगेंस्ट इंटरफेरॉन टाइप्स की ड्रग्स जो इसके अगेंस्ट काम करेंगी या इसकी ग्रोथ को इनहिबिट करेंगी, किल तो नहीं कर सकती एंटी वायरल वायरस को ड्रग्स जो है, इसकी ग्रोथ को इनहिबिट करने वाले ड्रग्स को हम एंटी वायरल ड्रग्स कहेंगे। उसके बाद स्टूडेंट एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स, प्रोटोजोआ के बारे में, ये मलेरिया जो काज है ये प्रोटोजोआ की वजह से है, ठीक है, इसके अगर हम इसकी एंटी प्रोटोजोआ की बात करें तो अमेबा प्रोटोजोआ में शामिल है जो कि मोस्टली पेचिश की वजह बनता है स्टोमिक के अंदर। प्रोटोजोआ के लिए जो ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स कहलाती हैं, ठीक है, प्रोटोजोआ को जो किल करती हैं या इसकी ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स कहलाती हैं। आगे इनकी डिटेल हम एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स के बारे में ड्रग्स जब पढ़ेंगे तो इसकी डिटेल में देखेंगे कि प्रोटोजोआ कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद स्टूडेंट्स बात की जाए तो एंथेलमेटिक ड्रग्स हैं स्टूडेंट्स, एंटी एंथेलमेटिक्स जो ड्रग्स हैं इस ये स्पेसिफिकली ये जो हमारे स्टोमिक के अंदर प्रेजेंट या तो पैरासाइट हैं या वर्म्स हैं, वर्म्स मोस्टली पैरासाइट ही होते हैं, इनको या तो किल करने के लिए या स्पेल आउट करने के लिए जो इस्तेमाल होती हैं ये जो पेट के कीड़े किरम जिनको हम कहते हैं, वर्म्स जिनको कहते हैं,
इनको या किल करने के लिए या स्पेल आउट करने के लिए जो ड्रग्स इस्तेमाल होंगी वो एंटी एंथेलमेटिक ड्रग्स होंगी, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे एंटी फंगल ड्रग्स हैं, एंटी वही लगा हुआ है अगेंस्ट और फंगल लिया गया है फंगस से, फंजाई फंगी, ठीक है। फंगस के अगेंस्ट स्टूडेंट्स फंगस भी बहुत से डिजीजेस की कॉज होती है, यानी ये स्किन डिजीजेस की वजह बन सकती है, लंग्स के अंदर कुछ सिम्टम्स कॉज कर सकती है। इस तरह की जितनी भी डिजीजेस हैं जिसका पैथोजीन फंगस हो या फंगी हो, ऐसी ड्रग्स जो कि फंगी की ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं या इनको खत्म करती हैं, ऐसी ड्रग्स कहलाती हैं एंटी फंगल ड्रग्स, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट कैटेगरी की जो ड्रग है कीमोथेरेपी की जेंट्स है वो है एंटी ट्यूबरक्यूलर, ठीक है, या क्लोजिस इसको कहते हैं ट्यूबरक्यूलर ड्रग्स, एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग्स, एंटी वही अगेंस्ट और ट्यूबरक्यूलर ट्यूबरक्लोजिस से लिया गया है, ट्यूबरक्लोजिस कहते हैं टीबी को, ठीक है। जो ड्रग्स टीबी के लिए इस्तेमाल होती हैं वो एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग्स कहलाती हैं। इसमें जो ट्यूबरक्लोजिस बैक्टीरिया है उसको किल करने के लिए जो ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं वो एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग्स कहलाती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स एंटी लिप्रोटिक ड्रग्स, लिप्रोटिक लिप्रोसी से लिया गया है लफ्ज, लिप्रोसी का मतलब है जजाम या उर्फ आम इसको ये कोड की बीमारी कहते हैं, स्किन डिजीज है, स्किन डिस्कलोरेशन इसकी स्किन की हो जाती है, इसको कहते हैं लिप्रोटिक लिप्रोसी। और जो लिप्रोसी के लिए ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं जजाम के लिए, आपने ये लफ्ज सुना होगा जजाम, ठीक है, जजाम, ठीक है, या इसको आम कोड भी कहते हैं। लिप्रोटिक के लिए लिप्रोसी के लिए जो ड्रग्स इस्तेमाल होंगी वो कहलाएंगी एंटी लिप्रोटिक ड्रग्स, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट कैटेगरी की ड्रग्स हैं कीमोथेरेपी के जेंट्स जो कि कैंसर की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं, नियोप्लास्टिक डिजीजेस के लिए या तो कैंसर के लिए जो इस्तेमाल होती है ड्रग्स उसको कहते हैं एंटी कैंसर, ठीक है। स्टूडेंट्स इस प्रेजेंटेशन के अंदर इतना ही, इंशाल्लाह आगे इनकी डिटेल अगले लेक्चर में देखते हैं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।